हाय स्टूडेंट्स, तो आज जो है मैं आपके समक्ष जो है बीजीए गणित के कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे सूत्र हैं उनको लेके आपके समक्ष जो उपस्थित हुआ हूँ। तो मैं सबसे पहले बात करूँगा ए प्लस बी का स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इसका जो है मैं पहले आपको जो है एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल, ठीक है, कैसे किसी तरह हिसाब से इसे किया जाता है, ठीक है। जैसे पास हमारे पास दो टर्म है, 1500 × 1500 और ये जो है ज्ञात करने को दिए गया है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करना है इसके हिसाब से, ठीक है। तो पहले तो आपको इसको जो दो टर्मों में बनाना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग। जैसे कि हमारे पास ही आ गया 1500 का होल स्क्वायर बन गया है, ठीक है। तो ये तो ओनली ए की वैल्यू है, ठीक है। तो हमें बी कैसे इसे तोड़ के कैसे, ओनली नॉर्मल है ये तो, ठीक है। तो इसे कैसे तोड़ना है हमने, ठीक है, इसका कैसे समीकरण बनाना है, ठीक है। 1500 + 9, ठीक है, ये जो हमारे दो टर्म बन गई, ठीक है, ये जो है होल स्क्वायर हो गया अब, ठीक है, जो ये वाली टर्म बन गई, ठीक है। तो इतना आपको चल गया होगा पता। उसके बाद जो हमने इसको आगे कैसे करना है, ठीक है, 1500 का स्क्वायर + 9 का स्क्वायर, तो अब इक्वल टू ये तो हमारा बन गया, ठीक है, ये वाली टर्म तो हमारी अब बन गई प्लस जो है टू, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मल्टीप्लाई 1500 × बी की वैल्यू हमारे पास है ये है 9, ठीक है। इतना आपको पता लग गया होगा। तो इसको जो है इसका स्क्वायर कितना होता है, ठीक है, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा इधर 2250000, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये जो है इतना आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस इसका जो है 81 आ जाएगा स्क्वायर प्लस 2 × 2, इसको पूरा मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 27000, ठीक है। तो आपने ये जो है कर लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। तो अब इसको ऐड कर लेना है आप लोगों ने, टोटल कितना बन जाएगा। तो ये जो है इसी हिसाब से होगा, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल चुका होगा किसी हिसाब से हमने इस फार्मूले का यूज करके जो है इस क्वेश्चन को किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब इस वाले का हम इस वाले सूत्र का उपयोग करते हुए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं। इन तीनों से ही ज्यादातर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको किसी हिसाब से अगले का यूज हुआ। जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 1994 × 1994, ठीक है, फिजिकल ऐसे दिया है, ये ज्ञात करना है इसको, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो हमने पहले फैक्टर बनाने हैं, ठीक है, इसका 2000 − 6 कर दिया तो हमारे पास जो है 1994 बचेगा, ठीक है। तो इसका आपने जो है स्क्वायर कर देना, ठीक है, आ रहा है ना माइनस, तो ये देखो ये वाला फैक्टर बना दिया हम लोगों ने। इसके बाद अगले अब इस वाला ही को करना है, और हम लोगों ने 2000 का स्क्वायर + आ गया, ठीक है, 6 का स्क्वायर − 2, ये कितना है हमारे पास 2000, ठीक है, 2000, बी कितना था 6, ठीक है। तो ये आपने जो है आगे अब इसको जो है कर लेना है, जमा गुणा भाग तो आप लोगों को आता ही है, ठीक है। ठीक है, 2.5 × 10000 = 10 लाख, 40 लाख आ गया ये, प्लस 36 − ये जो हमारा 24000 आ जाएगा, ठीक है, इसी हिसाब से, ठीक है। तो ये जमा कर देना है आप लोगों ने, और ये जो है माइनस कर देना, ठीक है। नहीं लगता है पता तो इधर कर लेना आप लोगों ने, जैसे प्लस 36, ठीक है, और इधर जो हमारा 24000, ठीक है, 6, 7, इसी हिसाब से जो है इसको आप लोगों ने कर लेना है। इसको मैं अच्छे से करके ही देता हूँ आप लोगों को,
वैसे इसका टोटल जो है आपको मैं बता देता हूँ, इसका टोटल जो आएगा हमारे पास जो आएगा 39760, इसी हिसाब से आएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, यही दे देता हूँ मैं आपको, इतना बड़ी संख्या तो है नहीं, ये आ जाएगा 40 3 36 3 0 2 4 2। ठीक है, 6 का 6 3 का 3 0, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 है, 7, 9 बच्चा था, 9 का 9 और 3 ढाई ढाई से 10 लाख 10 लाख 39,76,036, ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फार्मूले का मैं आपको बताता हूँ, यही पूछे जाते हैं इन्हीं के एग्जामों में, जो कि आपके हो गए एंट्रांस हो गए, उनमें इन्हीं का ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैं इस वाले एग्जाम्पल, इस वाले फार्मूले का बताता हूँ आप लोगों को। जैसे आपके पास ये आया है 83 × 83, इसी हिसाब से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, −117 × 117। ठीक है, इसी हिसाब से दिया और मान ज्ञात कीजिए, ऐसे दे दिया। ठीक है, तो पहले इसका क्या फार्मूला है, ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, ए का स्क्वेयर बी का, देखो ए का स्क्वेयर हो गया और बी का स्क्वेयर भी। अब ये वाली टर्म बनानी है हम लोगों ने, ए कितना है हमारे पास 883 है, प्लस बी कितना है 117 है। ठीक है, माइनस, बीच में माइनस कर देना है आप लोगों ने। ठीक है, ऐसे रहने देना या तो ऐसे रख दो इसको। ठीक है, अब इधर बी कितना है, ए का क्या है, अब ये वाला सूत्र करना है, ए हमारे पास है 883 और माइनस कितना है 117, बी की वैल्यू जो है, ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। ठीक है, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, इसको प्लस करके आपका 1000 आ गया, इसको माइनस कर दो, नहीं लगता तो ऐसे कर दिए 83 − 1। ठीक है, 13 × 6 13 = 7 = 6 और इधर वैसे, ठीक है, 766 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी इधर से कहीं गया, ऐसे ही 766 आ जाएगा। ठीक है, −766 कर दो। ठीक है, माइनस यहाँ पे बीच में इन, ये है ना हमारी इन्वर्टेड, इधर बीच में गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 766,000। ठीक है, सीधी सीधे की 3 और 3 में ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ गया आप लोगों का। ठीक है, तो क्या ना पता आप लोगों को, तो इसी हिसाब से जो है ये आपने, बाकी और भी हमारे ऐसे बीजे जो है गुण सूत्र हैं, उनको भी मैं आपको जो विस्तार पूर्वक बताऊंगा, तो 3 पहले आपने ध्यानपूर्वक कर लेने हैं।